पूछ रहा था, उनको भरोसा ही नहीं हो रहा था। मतलब मेरे मैं देख के आया दिल्ली में जाके, जो मेरे को बिजनेस का पोटेंशियल देख के आया। अब आने के बाद जब ड्रीम लिखा, लिखने के बाद सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं एक दीवार पे लगा है, जैसे बेड पे से उठते ही सामने दिखना चाहिए वो एक लगा दिया। जैसे 10 स्टेप सीढ़ी में भारे सर बोलते हैं वही तरीके से मैं फॉलो कर रहा हूँ। एक अलमारी के ऊपर लगाया तो अलमारी के ऊपर लगा रहे तो हमारे वे बाहर आ गए, यहाँ पे मत लगाओ हमारे सही है। जैसा घर में एंट्री देते ये दिखता मेरे इज्जत जाती है, मत लगाओ बोले। मैं बोला नहीं, उन्होंने आना, उन्होंने देखना, उन्होंने हंसना, वो हमको छुपना, उनके लिए तो भी बिजनेस हम करके दिखाते। मैं उनको मनाया, फिर उसके बाद अलमारी के ऊपर भी लगा दिया। तो इसके बाद जो विजन, जैसे चेक कितना चाहिए, कौन से डेट तक चाहिए, कौन से टाइम में चाहिए, गाड़ी कौन सी चाहिए, पूरी क्रिस्टल क्लियर में लिख रखा। तो लोग करते हैं सबसे पहले गाड़ी तो लेते हैं, मगर उसके अंदर पेट्रोल नहीं तो गाड़ी चलेगी क्या? ड्रीम तो बिजनेस तो शुरू करते हैं, मगर ड्रीम जब तक क्रिस्टल क्लियर नहीं है तो आपके चैलेंजेस बहुत बड़े आएंगे। अगर आपका ड्रीम बहुत बड़ा है, क्रिस्टल क्लियर है, जितना भी बड़ा चैलेंज आ रहा है आपको इजी दिखेगा। तो उसके साथ मैं और एक ड्रीम भी यहाँ पे लिखा। तो मैं सोचा मैं 2 करोड़ का घर तो मेरा बन चुका उसी टाइम पे, मगर मैं जब 2 करोड़ का घर बनाऊंगा तो कहाँ पे बनाऊंगा? जब भानोर में बनाऊंगा तो मेरे आस पास के मास एरिया रहेंगी या कहीं पे भी रहूंगा तो नहीं। अभी हमारे हैदराबाद से, हैदराबाद की विनिंग टीम से कम 100 करोड़ जैसे होंगे सब लोग मिलके एक जगह, हम इतना 100 एकड़ की जमीन लेके उसके अंदर एक एक घर, कम से कम 1000 स्क्वायर यार्ड या आधा एकड़ रहना, ये ड्रीम। उस टाइम पे मैं डायमंड डायरेक्टर था, उस टाइम पे देखा, अपने से पूछा, उसके बाद फोटो लगाया और विजुलाइज करना शुरू करा। लगभग ऑलमोस्ट 40-50 करोड़ भी आ चुके हैं और कुछ दिनों में ये भी प्रोजेक्ट शुरू करेंगे जो अपलाइन के कौन से राइट। तो ड्रीम क्रिस्टल क्लियर रहना चाहिए। मैं एक एक पॉइंट बताते